एकीकरण अर्थात पॉलीमराइजेशन। सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन को जब गर्म किया जाता है तो रबड़ जैसा यौगिक यानी बहुलक बनता है। ये अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। इसी प्रकार की अभिक्रिया आइसोप्रीन में भी होती है और आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से बने हुए पदार्थ पॉली आइसोप्रीन के गुण व संरचना प्राकृतिक रबड़ जैसे होते हैं, इसे ब्यूना रबर कहते हैं। ब्यूटाडाइन तथा आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से बने हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण संश्लेषित रबड़ एवं उनके उपयोग निम्न है। पहला है ब्यूना एल्स। सोडियम की उपस्थिति में ब्यूटाडाइन तथा स्टायरीन के मिश्रित बहुलकीकरण से बना हुआ उत्पाद ब्यूना एस कहलाता है। स्टायरीन वे ब्यूटाडाइन से बनने के कारण इस रबड़ को SBR कहते हैं। ब्यूना एस का प्रमुख उपयोग स्वचालित वाहनों के टायर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ब्यूना एन। यदि ब्यूटाडाइन का सहबहुलकीकरण वाइनिल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल के साथ करवाया जाए तो बना हुआ बहुलक ब्यूना एन कहलाता है, या एन का मतलब है नाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल से बने सामान्य उपयोग के इस रबड़ को GRA भी कहते हैं। ये एक दृढ़ उष्मारोधी तथा कार्बनिक विलायकों के प्रति उदासीन होता है। नेक्स्ट है नियोप्रीन। ये प्राकृतिक रबड़ के समान ही होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, जबकि नियोप्रीन क्लोरोप्रीन आइसोप्रोपिल के मैथिल समूह के स्थान पर क्लोरीन परमाणु का बहुलक है। इसका उपयोग संचार पेटी, प्रिंटिंग रील तथा तेल व पेट्रोल को ले जाने वाली नलियां बनाने में किया जाता है। संयुग्म डाई ने अपेक्षा से अधिक स्थायी हैं और इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता कम होती है। इसकी पुष्टि इनकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्माओं के मान से होती है। 1-ब्यूटेन की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान 30.3 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। इस अभिक्रिया में Ca2 डबल बॉन्ड Ca सिंगल बॉन्ड समूह का हाइड्रोजनीकरण होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन में इस प्रकार के दो समूह हैं, अतः इसके हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का मान 60.6 किलो कैलोरी प्रति मोल होना चाहिए, लेकिन वास्तव में यह मान 57.1 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। अर्थात 1,3-ब्यूटाडाइन अपेक्षा से 3.5 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक स्थायी है।